अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का सेकेंड डे है और मैं जो है कल वीडियो नहीं बना सकी थी ईद के फर्स्ट डे, क्योंकि एक तो कुर्बानी का दिन भी था, बिज़ी 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 चल रहा था सब कुछ। और उसके बाद जो है ना, मेरी बेटी हमना की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए थे, तो हमें इमरजेंसी में जाना पड़ रहा था। फिर इसके बाद जो है ना, हमारे जितने भी फर्स्ट डे के प्रोग्राम थे ना, सारे कैंसिल हो गए थे। आज इंशाल्लाह हम लोग अभी निकलेंगे, तो मैं रेडी होने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा इंट्रो बना लेती हूँ जल्दी से और फिर आपके साथ बाकी की वीडियो शेयर करती हूँ। तो मेहंदी वगैरह भी आज हम लोगों ने सुबह लगाई थी, मैंने हमना की भी और अपनी भी और आमना की भी। तो वीडियो आप लोग आगे चल के देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो है मेरा ड्रेस है ईद का, और इसके साथ ब्लैक प्रिंटेड है, उसके साथ ब्लैक ट्राउज़र है, ब्लू दुपट्टा है। और ये आमना हमना का ड्रेस है, लेकिन आमना हमना ये पता नहीं पहनेंगी नहीं पहनेंगी, गर्मी इतनी शदीद हो रही, कह रही है हमें नहीं पहनना है, आप दूसरा निकालें। तो मैं टी शर्ट्स और टाइट्स निकालती हूँ इनकी, पहले मैं कोशिश करूँगी अगर ये पहन लें तो। यहाँ पर सुबह सुबह आमना हमना ने जो है ना मुझे पी लिया था, मम्मा मेहंदी लगा दे मेहंदी लगा दे। जब तक मैं इनकी मेहंदी नहीं लगाती ना, इन लोगों ने मेरी जान नहीं छोड़नी थी। खैर, इन दोनों से भी फारिग हो गए और मैंने अपनी भी मेहंदी लगा ली थी। उसके बाद आमना हमना को भी रेडी कर दिया था। शलवार कमीज़ इन्होंने हरगिज़ नहीं पहनी, और गर्मी वैसे ही इतनी शदीद हो रही है ना, बड़ों से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैंने जो है ना अपना ईद का सूट दूसरा लिया था, लेकिन इतनी शदीद गर्मी हो रही थी, गर्मी को देखते हुए मैंने डिसाइड किया मैं लॉन का सूट पहन लेती हूँ, जो दूसरा मैंने सिलवा के रखा हुआ था। ये सूट जो है ना, मैंने कुर्ती स्टाइल का ही सिलवाया था, इसमें बॉक्स स्लीव्स बनी हुई थी जो कुर्ते पे बनती हैं, और बेल बॉटम स्लीव्स थी, और बेल वगैरह कुछ भी नहीं लगवाई थी मैंने, जो साइड पे पट्टी निकलती है ना उसी से डिज़ाइन बनवाया था। दुपट्टे पे जो है वो टजल्स वाली आजकल जो पीको चल रही है, क्योंकि अब बनवाने नहीं पड़ते, आप डायरेक्ट पीको करवा सकते हो, उसी तरीके से बनवाया था। बस हम लोग लेट हो रहे थे, इमरान ने चीखना शुरू कर दिया था चलो चलो चलो, तो अब हम लोग निकल रहे थे और इमरान ने इत्तफाक़ से हमारे साथ ना मैचिंग करी थी, इत्तफाक़ से हम चारों ने मैचिंग कर ली थी, ब्लैक ब्लैक डिसाइडेड नहीं था लेकिन इत्तफाक़ से मैचिंग हो गई थी। तो खैर, ये हम लोग जो है ना निकल गए थे, रास्ते में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, 8:30-9 बज गए थे मुझे अब्बू के यहाँ पहुँचते पहुँचते, और फिर वहाँ से हम लोग खाना खाकर निकले थे, तो जाहिर सी बात है फिर घर पहुँचते पहुँचते खुशबू से तो मज़ा ना चिकन कौरमा। तो बस फिर हम लोग खाना खाने के लिए वहाँ बैठ गए थे, बहुत ही मज़े का पुलाव बनाया था, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। इमरान का इरादा नहीं था खाने का, लेकिन इमरान को खुशबू सूंघ के जो है ना, इमरान वहीं पे फंसा गए थे, नहीं पुलाव खा के निकलेंगे, तो क्योंकि इमरान की फेवरेट डिश है पुलाव, और इमरान बिरयानी जो है ना वो इतनी शौक़ से नहीं खाते, तो इमरान पुलाव खाते हैं शौक़ से बहुत। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और रात में हम लोग इतनी देर से आए थे, तो हम लोग जो है ना आगे सो गए थे, इतना थक गए थे, हमने की भी तबीयत सही नहीं थी। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और बस इतनी सी ही बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।